गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लाइव क्लासेस जो है वेल्डर का है, तो सभी छात्र जुड़ जाइए। ये वेल्डर का थर्ड क्लास है, तो अगर आप फिटर से भी हैं तो भी आप क्लास कर सकते हैं। चलिए आज लाइव सेशन में आए हैं, वेल्डर का है, थर्ड क्लास है, तो जितने भी छात्र हैं जुड़ जाइए। ठीक है, जितने भी छात्र हैं जुड़ जाइए जल्दी से। वेल्डर का जो क्लास है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बचा हुआ था, आज 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर से ही हैं, और जितना भी इसमें बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप जल्दी से लाइव सेशन में आप जुड़ जाइए। ठीक है, जो भी छात्र है जुड़ जाइए, और जैसे ही जुड़ेंगे लाइक कमेंट करते चलेंगे। सुमन मंडल, चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और पूरा अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं इस सेशन को, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करें। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। एक नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सीडेंट आर डिफाइंड है, यानी दुर्घटनाओं को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दुर्घटना जब भी होता है तो क्या होता है, अगर सपोज कीजिए हम किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारा है के रैना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, चलिए जुड़ जाइए सभी छात्र। चलिए एक नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिए। पहला है दुर्घटनाओं को परिभाषित करना है, यानी दुर्घटना का बताना है कि दुर्घटना में क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है उत्पादन की हानि। देखिए अगर कोई वर्कशॉप में कोई लेबर हो या कोई भी वर्कर हो, अगर उसको चोट लग जा रहा है तो वो काम उस टाइम नहीं करेगा, तो उसका मतलब उत्पादन में भी हानि हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, कंपनी के संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, मोहन कुमार फर्स्ट का डी, चलिए ठीक है। रिजल्ट इन यानी चोट में परिणाम, देखिए अगर कोई अगर चोट लग रहा है तो जो वर्कर होगा उसको चोट भी लग सकता है। उपेंद्र सिंह जय हिंद जय हिंद, चलिए जुड़ जाइए लाइव क्लासेस में। पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी होगा, क्योंकि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए दो नंबर क्वेश्चन बताइए, सेफ्टी इज यानी सेफ्टी सुरक्षा है, कैसा सुरक्षा है, जैसे कि दुर्घटना, नुकसान, कॉज, मनोरंजन, इनमें से क्या ऑप्शन होगा। दो का डी, मनोहर कुमार, कारणों से बचे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए सुरक्षा क्या है, कारणों से बचे, कारण से क्या, कारण से बचना है, किस कारण से बचना है, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उससे बचना सुरक्षा होता है। एक का बी नहीं, बी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए सुरक्षा नुकसान तो है ही, ठीक है, दुर्घटना भी है, कारणों से बचने, देखिए दुर्घटना जब हो जाएगा तो हम सुरक्षा किस लिए करेंगे, सुरक्षा क्यों करते हैं, दुर्घटना से बचने के लिए। ठीक है, तो सुरक्षा नुकसान भी होता है, ठीक है, और कारण से बचेंगे, कारण मतलब अगर जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो कोई गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाए, कोई वर्कशॉप में काम कर रहे हैं जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे चोट लग जाएगा, यानी ये तीनों ऑप्शन जो है वो दुर्घटना से संबंधित है, ये भी दुर्घटना है, ये नुकसान है, ये कारण से बचे, ये तीनों नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी मनोरंजन, मनोरंजन ही सुरक्षा है। याद रखिएगा कभी भी वर्कशॉप में जब हम काम कर रहे हैं तो फ्री माइंडली काम करेंगे, जो भी काम हम जानते हैं तभी उस मशीन पर काम करेंगे और फ्री माइंडली काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा दो का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड नंबर क्वेश्चन। आज 45 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, तो जितने भी छात्र हैं जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये पूरा 45 क्वेश्चन है और ये सेफ्टी और इंट्रोडक्शन का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। इस पर सिर्फ दो क्लास और होगा, उसके बाद इस पर नहीं होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का आंसर बताइए।
सेफ्टी साइन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय, यानी सुरक्षा संकेतों को किससे हम पहचानेंगे, ठीक है, यानी कैसे पहचानेंगे सुरक्षा संकेत जब हम देते हैं, जैसे कि कहीं पे हो गया, जैसे कि आप देखे होइएगा कि जहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रिक का, वहाँ पे मानव का खोपड़ी का निशान बना होता है, तो वहाँ पे कैसे जानेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए जुड़े रहिए। तो हम सुरक्षा को कैसे पहचानेंगे, देखिए सुरक्षा का एक आकार होता है, जैसे कि कोई सर्किल बना हो या चतुर्भुज टाइप का बना हो तो उसका एक आकार होता है, रंग होता है, देखिए नीला पीला लाल ये कलर भी होता है उसका, और प्रतीक वो तो सिंबल है ही। और लास्ट ऑप्शन है डी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का डी, यानी इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, चार नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्राथमिक चिकित्सा किट युक्त होना चाहिए, यानी फर्स्ट एड किट मस्ट कंटेनिंग, यानी प्राथमिक चिकित्सा किसके, मतलब प्राथमिक चिकित्सा में क्या क्या होना चाहिए ये जरूरी है। तो देखिए चार का भी क्वेश्चन लेके आए हैं, पहला है डॉक्टरों का आपातकालीन टेलीफोन, देखिए वर्कशॉप में कभी भी काम होता है तो एक इमरजेंसी नंबर होता है, ठीक है, वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और चालू होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। दूसरा है चिपकने वाली मिट्टी, ये भी होना चाहिए। तीसरा है कैंची, और चौथा है ऑल ऑफ दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार का ऑल, यानी सभी होना चाहिए, प्राथमिक मतलब फर्स्ट एड में ये सभी चीज होना चाहिए। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पांच का आंसर बताइएगा, ठीक है, पांच का आंसर बताइएगा। पांच का ऑप्शन बताइएगा, पांच का, एट द टाइम ऑफ वर्किंग एंड ऑफ एन एक्सीडेंट ऑकर, यानी किसी दुर्घटना के समय क्या करना चाहिए। चार का डी, हाँ चार का डी सही है सुरेंद्र कुमार, चार का डी सही है। पांच नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन को जल्दी बताइए क्या होगा, किसी दुर्घटना के समय काम पर क्या करना चाहिए, अगर हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं अगर दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला प्राथमिकता क्या होना चाहिए, अगर दुर्घटना होगा एट ए टाइम, सपोज कीजिए हमको चोट लग गया तो हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखिए सबसे पहला है ऑप्शन पांच का बताइए, गुड मॉर्निंग राजेंद्र वर्मा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए सभी आदमी, जितने भी छात्र हैं आपका वेल्डिंग का पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते रहिए, तीन खत्म हो गया, पांच नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, आज पूरा 45 क्वेश्चन है तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी में पर चलिए आज, ठीक है। पांच का चलिए हम बताते हैं क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है कि कलेक्ट द पांच का सी, चलिए सही है, आपका आंसर सही है, हायर ऑफिसर शुड बी इन्फॉर्मिंग रिगार्डिंग ऑन एक्सीडेंट, यानी का पांच का ये नहीं होगा, मनोहर पांच का ये नहीं होगा, दुर्घटना वाले स्थान पर भीड़ को रोकना सही बात है, बट जब पहले अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो उच्च अधिकारी है उसको सूचना देंगे, ऐसे तो सब अगर ऑप्शन में ये रहता कि उसका इलाज करेंगे तो हम वो होता है, क्योंकि प्राथमिक हमारा प्राथमिकता क्या है कि जब भी एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो हादसा हो तो सबसे पहले जिसके साथ ये दुर्घटना हुआ है उसको देखना, ये जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वो नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि जो हमारा हायर ऑफिसर है उसको इस एक्सीडेंट की सूचना देना, ठीक है। चलिए छह नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में आज देखेंगे, छह नंबर क्वेश्चन हमारा फायर एक्सटिंग्विशर इज, यानी अग्निशामक यंत्र है, कौन सा अग्निशामक यंत्र है वो बताना है, चलिए जल्दी से बता दीजिए, जुड़ जाइए। छह का पहला हमारा ऑप्शन था, पहला था नो स्मोकिंग डिवाइस, पहला नो स्मोकिंग डिवाइस, दूसरा है फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा संकेत, तीसरा है लेजर बीम, और चौथा है छोटी आग से सुरक्षा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला है,
क्वेश्चन में है कि अग्निशामक यंत्र कौन सा है वो बताना है। तो अग्निशामक यंत्र क्या है, धूम्रपान डिवाइस, यानी जो धूम्रपान का डिवाइस है वो अग्निशामक यंत्र है ही नहीं, यानी ये हमारा ऑप्शन पहले ही गलत है। दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा संकेत सिंबल जो होता है वो भी नहीं है, यंत्र नहीं है, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर है लेजर बीम। लेजर बीम क्या है, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन डिवाइस फॉर स्मॉल फायर, यानी छोटी सी सुरक्षा उपकरण। आ के लिए देखिएगा CTC एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक मतलब बोतल जो होता है, बोतल कह दीजिए या सिलेंडर बोल दीजिए, वो हर वर्कशॉप में अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। चलिए 7 नंबर आगे, 7 नंबर बताइए, 7 का आंसर बताइए जल्दी से। 7 है एक गुड क्राफ्टमैन ऑलवेज वर्क विथ यूज, यानी एक अच्छा कारीगर हमेशा क्या उपयोग कर सकता है अपने साथ में। आपके ऑप्शन है 4, पहला है सुरक्षा किट के बिना, दूसरा है सुरक्षा किट के साथ सेफ्टी किट, ठीक है सुरक्षा किट, तीसरा है दोनों, और चौथा कोई नहीं। क्या होगा 7 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी हम कभी वर्कशॉप में जाएंगे, किसी मशीन पे वर्क करेंगे, सबसे पहला ध्यान देना है सुरक्षा किट का। हमारे पास ड्रेस होना चाहिए, ठीक है, जो 6 का D, चलिए रोहित कुमार गुप्ता 6 का D सही है। आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए स्पीड में। 7 का भी आंसर होगा सुरक्षा किट। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन यू टॉर्च द ओपन वायर विथ योर हैंड, यानी जब अपने हाथ से खुले तार को छूते हैं तो क्या होता है। खुले तार मतलब समझते हैं, खुले तार का मतलब 7 का B होगा, D नहीं होगा और ना ही C होगा, 7 का B होगा। सिर्फ सुरक्षा किट के साथ ही हम वर्कशॉप में जाते हैं, 7 का C नहीं होगा गौतम, 7 का C नहीं होगा, 7 का B होगा। सुरक्षा किट के बिना हम किसी वर्कशॉप में काम नहीं करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे तो काम कर ही लेते हैं, बस नियम है कि बिना सुरक्षा किट के काम नहीं करते हैं, ठीक है। यानी आपका आंसर 7 का B होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए थोड़ा स्पीडली चलते चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुले तार यानी नंगी तार को हम हाथ से पकड़ते हैं तो क्या होगा, हमारे साथ क्या हो सकता है। ऑप्शन क्या है 8 नंबर, जरा बताइए आंसर 8 का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ए नंबर है नथिंग विल हैपन, यानी कुछ नहीं होगा। बी नंबर क्या है, वी मे बी, यानी हम मर सकते हैं डाई। थर्ड नंबर है कि केवल आपका हाथ जल सकता है, योर हैंड आर ओनली बर्न। देखिए जब भी हाथ में करंट लगता है, 6 का D। चलिए आगे बढ़ते चलिए उपेंद्र सिंह, थोड़ा स्पीड बढ़िए, आप अपना आपका थोड़ा सा स्लो हो चुके हैं, स्पीड बढ़िए। और पूरा कोर्स करने के लिए कंपटीशन टारगेट आप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आपको पूरा कोर्स नहीं कराया जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा आपको सिर्फ 5 क्लास दिए जा रहा है, जो कि आज 3rd क्लास है, 2 क्लास और होगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, 8 का क्या होगा, योर हैंड आर ओनली बर्न, यानी अगर आप इलेक्ट्रिक वायर को अगर छू लीजिएगा तो हाथ क्या होगा, हाथ हमारा जल जाएगा, यानी 8 का C हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए मोहन कुमार 8 का B, देखिए 8 का अगर सी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक से हम तुरंत मरते नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट तुरंत नहीं मर जाते हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा कि हम पूरा ट्रांसफार्मर को पकड़ लेंगे तो तुरंत जल जाइएगा, बट क्या होता है यहाँ एक वायर की बात दे रहा है, तो वायर में क्या होता है कि आप जब आप वायर पकड़िएगा तो सिर्फ वो झटका मारेगा या हाथ जल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं, जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर बताइए, 9 का आंसर क्या होगा। एक अच्छे शिल्पकार की विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी अच्छे शिल्पकार का मतलब क्या होगा कि जो मिस्त्री उसको कह दीजिए, ठीक है, बढ़िया मिस्त्री जो है उसके अच्छा एक क्या होना चाहिए, यानी 9 का उपेंद्र सिंह सा। आगे बढ़ती है, चल आगे बढ़िए, आगे बहुत पीछे हैं आप। 9 का क्वेश्चन क्या होगा, एक अच्छे शिल्पकार की विशेषता क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, जो अच्छा मिस्त्री होगा उसके साथ गुड स्किल होगा, यानी अच्छा कौशल भी होगा, और वो सुरक्षा के प्रति सचेत भी होगा, याद रखिएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 9 का C दोनों हो जाएगा,
9 का सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। ठीक है, 9 का ए मनोहर कुमार, 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, श्याम सुंदर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए 9 का सी हो जाएगा क्योंकि अच्छा कौशल के साथ सुरक्षा के प्रति सचेत भी होना चाहिए। अगर सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो अच्छा कैसे कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ अच्छा शिल्पकार की बात हो रही है तो वो जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विच द सिंबल ऑफ डू नॉट टच। यहाँ सिंबल हमको बताना है कि टच नहीं करना है, मतलब स्पर्श करने के लिए मना करता है, कौन सा सिंबल है जल्दी बताइए। 10 का ए बी सी डी, 9 का सी ठीक है मनोहर कुमार, 10 का डी सी ठीक है श्याम कुमार, 9 का सही सी ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, ठीक है आगे बढ़ते रहना है। 10 का क्या होगा, 10 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाथ बना के और लाइन खींचा हुआ, मतलब यहाँ पे मना कर रहा है कि इसको स्पर्श नहीं करना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीडली चलते हैं क्योंकि समय का अभाव है और होता क्या है कि हमको नेक्स्ट क्लास भी करना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा तेजी से बनाते चलिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर कॉम्बिनेशन शो सेफ्टी साइन ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कौन सा रंग संयोजन निषेध के सुरक्षा का संकेत दिखाता है। कौन सा रंग है जो संयोजन निषेध को सुरक्षा को दिखाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 10 का डी श्याम सुंदर, 10 का डी हाँ डी सही है, 10 का डी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 का सी राजेंद्र वर्मा सही है। 11 नंबर बताइए, 11 नंबर 11 का जल्दी बताइए, 11 का क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए। 11 जल्दी से बताइए, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है देखते हैं, अच्छा लेट से शो कर रहा है, चलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है तो इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर जैसा कि हम यहां ला चुके हैं, हमको दिखाना है कौन सा कॉम्बिनेशन शो सेफ्टी यानी रंग जो है संयोजन निषेध को सुरक्षा को संकेत दिखाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए आपको बताते हैं क्या होता है, सफेद पर देखिए जब भी साइन कोई दर्शाया जाता है, व्हाइट पेपर होता है उस पर से लाल या काला का बॉर्डर भी बना होता है, उस पर बना होता है, यानी 11 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, लाल पर सफेद नहीं होगा, व्हाइट ऑन रेड नहीं होगा। ठीक है, और आप जब भी कमेंट करते हैं ना तो रिफ्रेश करते रहिए। ठीक है, कमेंट करके रिफ्रेश कीजिएगा तो थोड़ा सा तेजी से काम करेगा। ठीक है, जो भी छात्र देखेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये कल भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये कल भी सेट में क्वेश्चन था तो इसको देखना है क्या कह रहा है। 10 का डी, 10 का उपेंद्र सिंह थोड़ा आगे बढ़िए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, आप 10 का बना रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़िए। साफ नहीं दिख रहा, आप थोड़ा सा जो वीडियो का व्यू है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, और बार बार रिफ्रेश करते रहिएगा, रिफ्रेश करने से क्या होगा कि आपका कमेंट तुरंत आएगा। ठीक है, रिफ्रेश करते रहिएगा। चलिए, और आप व्यू जो व्यूअर व्यू होता है उसको मतलब रिवेलेशन क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप बढ़िया से देख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कृत्रिम श्वसन का तरीका दिया हुआ है। देखिए ये इसमें क्वेश्चन 3-4 तरह का होता है, एक क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। रोहित कुमार गुप्ता, 11 का सी सही है रोहित कुमार। 12 का बताइए, 12 कृत्रिम श्वसन के लिए सरल तरीका क्या है, ये तो हम कल भी बताए थे। आगे बढ़ते हैं, माउथ टू माउथ यानी मुंह से मुंह वाला विधि बहुत ही आसान है और तुरंत इसका यूज होता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूसरा मिलेगा। चलिए आप देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फ्लोइंग फैक्टर ऑफ
रिस्पॉन्सिबल ऑफ फायर टेक प्लेस, यानी आग लगने का जिम्मेदार क्या क्या है। देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, चार ऑप्शन है आग लगने का जिम्मेदार क्या क्या है। कल हम क्वेश्चन में पढ़े थे कि आग किसका किसका मिश्रण है, तो सेम कल वाला है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। देखिए एग्जाम में यही होता है कि आप पढ़िएगा कुछ और अपने हिसाब से, क्वेश्चन आएंगे अपने हिसाब से, तो इसलिए क्वेश्चन को भी चेंज करके पढ़ना है। आग लगने के लिए जिम्मेदार क्या क्या है, देखिए कल था कि आग किसका बना होता है, ऑक्सीजन था, उसमें ईंधन भी था और हीट भी था, और आज क्या है, आग लगने के लिए जिम्मेदार क्या है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी 13 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते रहना है, 14 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड करते रहना है क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है और 45 क्वेश्चन आज करने हैं पूरे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते रहना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 का डी सही है, राजेंद्र वर्मा 13 का डी सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट यूज कन्फर्म्ड प्लेस, यानी यहाँ कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र कौन सा है जो सीमित जगहों पर भी हम उसको उपयोग कर सकते हैं, सीमित जगह पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। 13 का डी श्याम सुंदर मनोहर कुमार सही है, 13 का डी सही है। 14 नंबर बताइए, सीमित स्थान पर कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग हम कर सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फोम टाइप का या ड्राई पाउडर का या वाटर टाइप का, बताइए सीमित जगह पर। 13 का डी सही है, के रहना 13 का डी सही है। 14 का देखिए, 14 का याद रखिए, CO2 जो होता है वो सिलेंडर में भरा होता है, याद रखिए, वो सीमित स्थान पर हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, तुरंत ले जा सकते हैं और छोटा छोटा जगह में भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, 14 का डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। वाटर टाइप भी होता है बट यहाँ कह रहा है कि सीमित सीमित जगह, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और सुनिए क्योंकि क्वेश्चन इसी में आपको गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है सीमित जगहों पर कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है, सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ दिए थे, सॉरी यहां है नहीं किया जा सकता, सॉरी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के तारों में लगने का मुख्य कारण क्या है, यानी बिजली के तार में आग लग जाता है तो क्या कारण होगा, 15 का आंसर बताइए, 15 का आंसर बताइए। वो 14 नंबर क्वेश्चन शायद गलत हो गया होगा, उसको हम चेक कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको 14 का बता देंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन बनाइए कि बिजली के तार में आग किस कारण से लग सकता है, ठीक है। यहां पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है लो फ्यूज रेटिंग, यानी कम फ्यूज रेटिंग के कारण वायर को, दूसरा है ओवरलोडिंग, ठीक है, थर्ड है ढीले कनेक्शन, यानी बिजली का तार में जैसे शॉर्ट सर्किट जो होता है, ये सब कारण हो सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 स्पीड बढ़ाते रहिए। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान बिजली के झटके से इंसान में हो सकता है। देखिए बिजली के झटके से इंसान में क्या हो सकता है, अगर हमको बिजली का करेंट लग जाए तो क्या क्या हो सकता है। पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि यदि बिजली का करंट लग जाए तो क्या हो सकता है, उसमें ऑप्शन कुछ और था, यहाँ कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 15 का डी सही है सभी लोगों का। 16 नंबर क्वेश्चन बनाइए और जो भी छात्र नए जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, ठीक है। और पूरा क्लास करने के लिए वेल्डर का हो या फिटर का हो या आप इलेक्ट्रिकल हो, आपके दोस्त हो तो उनको भी आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल का भी बैच शुरू होने वाला है, तो कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड करके और कोर्स को जरूर परचेज करें और उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर कह रहा है विच इज द फ्लोइंग डिसएडवांटेज कैन कवर आवर इन ह्यूमन बींग बाय इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इलेक्ट्रिक शॉक से मतलब झटका से इंसान में क्या हो सकता है। 16 का आंसर जल्दी बता दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, 16 का आंसर। चलिए 16 का आंसर बता, 16 का डी सही है मनोहर कुमार वर्मा, 16 का डी सही है, इसलिए
कि वसा, जैसे कि इलेक्ट्रिक जब करेंट लगता है तो हमारे शरीर में जो जल होता है वो जल जाता है, वसा भी जल जाता है और हम बेहोश भी हो सकते हैं, सांस भी रुक सकता है, दिल की धड़कन भी रुक सकता है और हमारा मौत भी हो सकता है। तो हमारा आंसर 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। देखिए हम आपको इससे पहले क्वेश्चन दिए थे कि कृत्रिम श्वसन की किस विधि को, मतलब किस विधि से आसानी भी आसान विधि कौन सा है, तो वो था मुंह से मुंह विधि। लेकिन रोहित कुमार गुप्ता फिटर के हैं, तो आप कंपटीशन टारगेट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें फिटर का भी क्लास दिया गया है और आपको फिटर का अगर पूरा सिलेबस करना है तो कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, वेल्डर का भी इसी तरह चल रहा है, आपको 5 क्लासेस फ्री दिए जा रहे हैं, उसके बाद से आपको ऐप के माध्यम से सिर्फ पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन जो है ALP में पूछा गया है क्वेश्चन 2012 में। ठीक है, यानी 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ALP में पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बताए हैं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 10-12 क्वेश्चन हम डाले हैं इसमें जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और कैसे कैसे आते हैं वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्या, जैसे यही क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति पीठ के घाव से पीड़ित है तो कृत्रिम श्वास किस देने का, किस विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए विधि बहुत तरह के होते हैं, इसमें दिया हुआ है कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे जब उसको पीठ में घाव होगा, कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे। मुंह से मुंह का विधि कब करते हैं, जब उसको लिटा देते हैं चित पीछे किस टाइप में, और तब मुंह से मुंह का विधि यूज करते हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि जब पीठ में घाव है, अच्छा मोहन कुमार वो आते रहता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये ALP का क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अगर पीठ घाव से पीड़ित है तो कृत्रिम श्वास किस विधि द्वारा देंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सेफर विधि का इस्तेमाल करेंगे, सेफर विधि का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमको पीठ के बल लेटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन होता है, आप सोचिएगा कि मार दीजिएगा सी आंसर तो सी गलत हो जाएगा। देखिए मोहन कुमार 17 का सी बना रहे हैं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति पीठ के घाव से पीड़ित है, इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप सेफ्टी का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए फिटर का, उसमें सेफ्टी पढ़ा चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर वेल्डर में जरूरत भी पड़ा तो इसको एक बार और पढ़ाएंगे, बट वो ऐप के माध्यम से होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन भी ये ALP का पूछा गया था ALP में। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार किस प्रकार की फायरिंग को रोकने के लिए कहां से उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी टॉप स्टॉप कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायरिंग फ्रॉम वेयर गैस बिकम अवेलेबल, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल्दी बता दीजिए 18 का आंसर, 18 का क्वेश्चन अगर पढ़ लिए हैं तो जल्दी बता दीजिए 18 का क्या हो जाएगा। जो भी छात्र जुड़ेंगे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर टेक्निकल चलेगा, टेक्निकल और मैथ रीजनिंग सभी चलेगा। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, पेपर हो एग्जाम, मतलब ईयरली एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, दोनों का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना होता है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु अम्ल के बीच अभिक्रिया करके वो गैस बनाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है ALP में 2012 में। ठीक है, तो ये ALP का कुछ क्वेश्चन हम डाले हैं इसमें। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फ्लोइंग द फायर बिलोंग द कैटेगोरी। देखिए आग की 20 श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आता है, आग की श्रेणियां 4 प्रकार की दी गई है। ठीक है, ABCD, इसके बारे में अगर विशेष जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सेफ्टी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आग के बारे में बढ़िया बताया गया है, यानी 4 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि बी ग्रुप में क्या आता है। देखिए बी ग्रुप जो होता है उसमें क्या आता है, पेट्रोलियम। ठीक है, 18 का सी होगा श्याम सुंदर, 18 का सी होगा, बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु अम्ल का अभिक्रिया से गैस बनता है। ठीक है, वो गैस होता है।
19 नंबर क्वेश्चन है कि बी कैटेगोरी का आग के बारे में बताना है कि बी कैटेगोरी में क्या कौन कौन सा आग आता है। तो बी में आता है लिक्विड आता है, ठीक है, लिक्विड यानी पेट्रोल डीजल जो भी होता है वो बी कैटेगोरी में आता है। ए में क्या आता है, कार्बोनेशियम ग्रुप होता है, बी में जो होता है वो तैलीय ग्रुप होता है, सी में गैसीय होता है और डी में इलेक्ट्रिक मतलब आग से लगी आग होता है। तो ये चार ग्रुप में बांटा गया इसको, ठीक है। चलिए 19 का बी आंसर हो गया, चलिए 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मशीन यानी मशीन पर हम कोई अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट इज नेसेसरी टू वियर यानी हमको बचाव के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करना चाहिए। देखिए जब भी आप सपोज कीजिए कोई वेल्डिंग कर रहा है या ग्रिंडिंग ग्राइंडिंग कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है, देखिए वेल्डिंग में ही हमारे पास कवर होना चाहिए, बॉडी का कवर होना चाहिए। देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कवरिंग सीट होना चाहिए यानी 20 का ये हो जाएगा। मफलर तो होना ही नहीं चाहिए, बेल्ट भी नहीं चाहिए, सैंडल भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कवरिंग सीट होना चाहिए। जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, यानी आपके आईटीआई के जो भी दोस्त हो उनको बताइए, ठीक है, और सभी दोस्त साथे पढ़िए, एक साथ पढ़िए अच्छा रहेगा। 20 का ठीक है, 19 का बी सही होगा, 20 का देखिए 20 का ये हो जाएगा कवरिंग सीट। 21 नंबर देखते हैं, हमारे पास टाइम का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्पीड में चलना है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, बिजली सी आग को रोकने के लिए क्या उपयोग करते हैं। देखिए इसमें देखिए बिजली का जैसे कि हम बताए हैं डी ग्रुप में आता है, ठीक है, बिजली डी ग्रुप में आता है, तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, पायरीन CCl4 का इस्तेमाल करेंगे बिजली के आग को रोकने के लिए, ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन रहता तो वो भी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन जो कि ELP में पूछा गया है, देखिए इलाहाबाद में पूछा गया है, धूम्रपान ना करे का सिंबल क्या है। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, धूम्रपान ना करे उसका सिंबल क्या है बताइए जल्दी से, धूम्रपान ना करे उसका सिंबल बताना है आपको, और हमारे पास समय कम है थोड़ा स्पीड चलते रहना है। देखिए 22 का आंसर ये हो जाएगा, ये धूम्रपान ना करने का संकेत है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि पैदल यात्री नहीं चलने का संकेत कौन सा है। पैदल यात्री का प्रतीक नहीं है, जो मतलब आप कहीं पे दिया जाता है जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे या कहीं दूसरे पे अगर पैदल यात्री का चलना नहीं है तो वहां पे कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे जल्दी से बताइए जो भी छात्र है। एक चलिए 23 का सी हो जाएगा और स्पीड में बढ़िए, समय का प्रॉब्लम है हमारे साथ, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा स्लो चलते बट हमारे पास समय का प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास हो जाता है 8 बजे से वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा तेजी में चलिए क्योंकि अभी हमको 20 क्वेश्चन और करने हैं। 24 क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक्निकल स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस डैश ड्यूरिंग देयर स्टडी यानी तकनीकी विद्यार्थी को अपने अध्ययन काल में किसका अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहला चीज यहां पूछ रहा है, ठीक है, अपने अध्ययन काल में किसका अभ्यास करना चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है। आप लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी वही चल रहा है, यानी पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, सुरक्षा उपाय यानी सेफ्टी सबसे पहला जरूरी है कि सेफ्टी हम बढ़िया से पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन को आंसर जल्दी से बता दीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वार्निंग इंस्ट्रक्शन यानी कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है, चेतावनी का निर्देश कौन सा नहीं है वो बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन बनाइए, बताइए विशाल राय 23 का सी, 25 नंबर क्वेश्चन बताइए सही है आपका 23। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेतावनी निर्देश कौन सा नहीं है, देखिए चेतावनी यानी नहीं है, ठीक है, वार्निंग सिंबल कौन सा नहीं है, मतलब यहां पे देखिए आंख की सुरक्षा करें, ये वार्निंग सिंबल है। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 25 का, ठीक है।
25 का बी हो जाएगा, यानी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, ये कोई वार्निंग सिंबल नहीं है। क्या है? वार्निंग सिंबल ये नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट एड का सिंबल है, वार्निंग सिंबल नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सा कथन सही है। देखिए आपको कथन दिया गया है, आपको यहां पे बताना है 26 नंबर कि कौन सा कथन सही है, वो बताना है 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर में क्वेश्चन बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलती मशीन पर गियर बदलना, देखिए कभी भी चलती मशीन पर गियर नहीं बदलना चाहिए, उससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, पुल्ली टूट सकता है, बहुत सारे मतलब डिसएडवांटेज है उसके, तो चलती मशीन पर गियर कभी भी नहीं बदलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जॉब पर किसी प्रकार का कटिंग टूल का प्रयोग कर लेना चाहिए। देखिए जॉब पर कभी भी मतलब कटिंग टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड है हेक्सा ब्लेड में ढीला होना चाहिए, हेक्सा ब्लेड को कभी भी ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए, ढीला छोड़िएगा वो टूट जाएगा या हाथ पे लग सकता है। उसके बाद है लास्ट डी ऑप्शन है हैमरिंग शुड नॉट बी डन ऑफ मशीन टेबल, यानी मशीन की टेबल पर हैमरिंग नहीं करना चाहिए, ये सही है। याद रखिएगा कभी भी मशीन का जो बेड होता है, वो टेबल होता है, उस पर कभी भी हैमर का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। मोहन कुमार सही आंसर आपका 26 का डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फ्लोइंग शुड नॉट ट्राई माउंट मस्ट ऑन जॉब ऑन मूविंग मशीन, यानी मशीन पर निम्न से किसके द्वारा जॉब पर नट को चढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, यानी नट को चढ़ाने की कोशिश किसके द्वारा नहीं करना चाहिए मशीन पर, स्पैनर के द्वारा या पाइप रिंच के द्वारा, दोनों के द्वारा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है, याद रखिएगा स्पैनर और पाइप रिंच दोनों एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि दोनों का काम नट खोलना ही है, लेकिन नहीं खोलना चाहिए वहां पे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि टूल पोस्ट शुड नॉट बी लोअर देन डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, यानी टूल पोस्ट ग्राइंडिंग व्हील के केंद्र से कितना नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब इतना से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए कम से कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 mm, ठीक है। स्पीड चलते रहना है, जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, और पूरा कोर्स करने के लिए मैकेनिकल ग्रुप से फिटर हो या वेल्डर हो, आपको पूरा कोर्स करने के लिए कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें, ठीक है। चलिए 27 का सी सही है रोहित कुमार गुप्ता, 27 का सी सही है। 28 का आंसर बताइए, टूल पोस्ट ग्राइंडिंग व्हील के केंद्र से कितना अधिक कितना से नीचा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा 27 का सी सही है। 28 का बताना है, 28 क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, कम से कम 2 mm, याद रखिए ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी 28 का ए, सागर कुमार ये सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इंपॉर्टेंट एक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द हिमब्रेन एंड वेरियस सेल ऑफ द बॉडी, यानी वायुमंडल में मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया है। देखिए कह रहा है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, श्वसन या रक्त परिसंचरण, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी या ब्लड सर्कुलेशन, याद रखिए इसका दोनों हो जाएगा, यानी हमारा 29 का सी हो जाएगा। श्वसन क्रिया भी ऑक्सीजन पहुंचाता है, और ब्लड, याद रखिएगा हमारे शरीर में जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, और पूरा कोर्स करने के लिए कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रीजन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, यानी आंतरिक रक्त स्राव, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग कहने का मतलब शरीर के अंदर से रक्त स्राव यानी ब्लड का बहाव
होने का कारण कौन सा नहीं है? 29 का सी है, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते चलिए, जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आंतरिक हड्डी का टूट जाना, देखिए अंदर में जब हड्डी टूट जाएगा तो हमको बाहर से पता नहीं चलता है, ठीक है, या बाहर में ब्लीडिंग नहीं होता है, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो चुका है। दूसरा है फेफड़े या गुर्दे से रक्त, जब दिल से जब रक्त सराहा होता है तो हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सी नंबर, देखिए कट ऑफ एन ऑर्गन यानी किसी अंग का कट जाना, देखिए अगर उंगली कट गया तब ना हमको पता चलेगा कि रक्त बह रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल रक्त नहीं हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल रक्त होगा, मतलब बाहरी रक्त, बाहर से रक्त बहेगा, तो है ऑप्शन किसी अंग का कट जाना, हमारा 30 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, 31 नंबर तो सबको ही बता देगा, जल्दी से बता दीजिए। एक वयस्क शरीर में आमतौर कितना ब्लड होना चाहिए,